जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राजमाज 16 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते SSC MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछला क्लास में हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 15 तक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। देखिए ग्राफ दिया है जिसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि दिए गए वर्ष के दौरान इन 8 ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2800 है तो B2 और B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए जो ग्राफ दिया है इसमें 8 ब्रांड है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ठीक है 8 ब्रांड है। और टोटल मिला के जो कार का बिक्री हो रहा है 2800 हो रहा है, 2800 टोटल बिक्री हो रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि B6 दोनों में कारों का अंतर कितना अंतर है दोनों का। तो टोटल परसेंट का चर्चा हम कर रहे हैं, तो 100% हमारे कितना दिया 2800। टोटल हम चर्चा हम कर रहे हैं, परसेंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो परसेंट की चर्चा किस पर करते हैं, 100 पर। 100% का मान दिया कितना 2800, तो अंतर हम परसेंट का मान निकाल लें, तो और डायरेक्ट हम परसेंटेज सिर्फ अंतर निकाल लें तो मेरा निकल जाएगा मान, तो 15 और 8 का अंतर कितना है 7% अंतर है। तो 100% का माना 2800, तो 7% कितना होगा 2800 का, अगर 7% निकालना तो मेरा अंतर दोनों का अंतर निकल जाएगा। 2 जोड़ों से 2 जोड़ कैंसिल हो गया, 8 से 56, 6 बचा 5, 7 में 14 14 5 19, 196। दोनों का अंतर कितना है 196, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रश्न 17 क्या करा, एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3886 वर्ग सेमी है तो बेलन की ऊंचाई 20 सेमी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बेलन किस आकार का था, अब ऐसा ना रोटी बेलना बनाना और बेलन ना समझिए, अब बेलन में तार तार भी कह सकते हैं, जो भी तार तार का आकार होता है बेलन का आकार का होता है, ठीक है। देखिए बेलन एक बेलन बन लेते हैं जिसका मोटाई मोटाई समान हो, ठीक है। बेलन बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। प्रश्न का एक बंद बेलन है जिसका आधार का मैंने क्षेत्रफल दिया है, तो आधार मैंने क्या हो जाएगा, जो नीचे का निचला भाग है उसी को आधार होगा, तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अब जो बेलन का आकार होता है जो आधार का होगा चाहे ऊपर वाला भाग होगा तो किस आकार का होगा, वृत्त का आकार का होगा, ये जो है यह वृत्त ही बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहिए या बेलन का आधार का क्षेत्रफल कहिए, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। तो πr² का मान कितना दिया है 1386। पाई का मान होता है 22/7, r² बराबर 1386। काटते हैं 11 से, काटते हैं 11 से 22, 11 बचा 2, 6 2 से 6 3 63। तो r² बराबर क्या आएगा, इसको तोड़िए तो 9 9 से 63, 7 × 7, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ाएगा तो रूट में, और 3 × 3 × 7 × 7 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो दो दो का जोड़ा बन रहा है तो इसी में एक बाहर निकल लेता है, तो कितना बाहर कितना निकला 3 × 7, यानी जो में त्रिज्या आया 21 सेंटीमीटर। इधर त्रिज्या आ गया, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × r + h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r + h। अब इसका देखिए हमको r भी मालूम चल गया, r कितना है 21 सेंटीमीटर और h कितना, ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इसका मान बैठा दीजिए निकल जाएगा मेरा, ठीक है। देखिए इसका मान बैठाते हैं तो 2 × 22 का मान क्या होता है, सॉरी पाई का मान होता है 22/7, आर मेरा कितना है 21,
गुने आर कितना 21, एच कितना 20 प्लस 20, 2 × 22/7 × 21 गुने दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 41, 7 × 21 तीन बार में कटेगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। अब इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, छः देखिए 22 है तो 11 × 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 12 = 132, 12 × 11 = 132, उसमें 41 गुना करते हैं तो 132, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 5, 2 × 8 = 11, 3 × 6 = 4, 5412। जो क्षेत्रफल है वो घन सेंटीमीटर में आएगा, 5412 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्रश्न 18 क्या कर रहा है, दो ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, उनकी लंबाई क्रमशः 210 मीटर और 255 मीटर है, वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दो रेलगाड़ी है जिसके दोनों चाल दिया अलग अलग दिया है, पहला मान लेते रेलगाड़ी ए है और दूसरा रेलगाड़ी बी है, एक चाल दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल दिया है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा चाल है और मैं दूरी दिया है, पहला दूरी कितना है 210 मीटर, दूसरा दिया दूरी दिया है 255 मीटर। खैर प्रश्न क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, यानी दोनों को मेरा चाल, दोनों को मेरा चाल है, माने ट्रेन दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी मानते हैं, ट्रेन ए जो है इसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन बी इस दिशा में है, ट्रेन ए की ओर आ रहा है और बी ट्रेन ए जो है बी की ओर जा रहा है, ट्रेन बी है ए की ओर आ रहा है, यानी दोनों एक ही ट्रेन में, मत मान लीजिए कि फिर ना एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों का पटरी अलग अलग है, जब एक ही दिशा में चलेगा, जब एक ही दिशा में चलता है तो चाल को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो चाल में क्या होगा, चाल को पहले एक ही दिशा में जो बी ए की ओर आ रहा है, ए की ओर आ रहा है और ए बी की ओर आ रहा है, तो चार को जोड़ेंगे, चार में कितना है 5, 8, 8, 7, 15, 155 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब एक दूसरे मिलने के बाद एक दूसरे को पार कितना समय में कर जा रहा है, जब दूरी मीटर में दिया रहा है या जो समय है सेकंड में दिया रहा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 155 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना करेंगे, कटते नहीं छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, कितना आएगा 155 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ये मेरा स्पीड आ गया दोनों का। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, तब जब एक ही दिशा में चल रहा है, मान ट्रेन ए भी इसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन बी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो चाल का अंतर लेंगे हम, चाल का अंतर लेंगे, ठीक है। और जब एक दूसरे के विपरीत चलेगा तो चाल को हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, मेरा तो अब जो मेरा चाल था चाल तो बदल दिए, समय बराबर क्या होता है। देखिए जब ट्रेन या तो समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले, जो दूरी होता है हमेशा जुटेगा, ठीक है, हमको दिशा से मतलब नहीं है, समान दिशा में जा रहा है या विपरीत दिशा में जा रहा है, दूरी हमेशा जुटेगा, और दूरी जोड़ते हैं कितना आएगा 5, 6, 4, 465 मीटर, दोनों की लंबाई आ गई मेरा 465 मीटर। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी में कितना 465 और चाल कितना है 155 × 5/18, जो 18 बट्टा में है जिसको बट्टा सटेगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, गुना 18, जो करते हैं 5 × 9 = 45, 5 × 15, ठीक है, अभी तो कटेगा नहीं, 3 × 11 कटेगा, पॉइंट में आएगा, देखते हैं 18 = 54,
18 53 56 हासिल बचा 5, 18 9 162 162 5 167 7 बचा कितना हासिल बचा 16 900 कितना 167 तो 1674 कितना आ गया 1674 और इसे भागा करते हैं 155 से एक बार में 155 2 1 4 तो कटेगा नहीं। अब एक पॉइंट बैठा 0 बैठा यहाँ पॉइंट 10 पॉइंट तो कितना है 15 0 पॉइंट बैठाते हैं कितना का 4 उठा तो 0 बैठा है तो कितना के बाद कटेगा 15 5 75 15 28 28 8 5 40 और 800 काटते हैं तो 8 5 40 8 5 40 और 4 6 44 8 4 8 4 12 यानी 10.8 सेकंड में वो एक दूसरे कितना समय पार करेगा 10.8 सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आइए मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए प्रश्न 19 क्या कर रहा है। रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपये था। यदि रवि ने इस मेज को 10% हानि पर बेचा, रवि ने मेज किस मूल्य पर बेची है। देखिए रवि जो है एक वस्तु है जो 1600 रुपये में खरीद रहा है, 1600 रुपये में खरीद रहा है, इसके लिए क्या हो ये क्रय मूल्य हो गया, इसका सीपी हो गया। रवि का सीपी कितना है, रवि किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीद रहा है तो उसके लिए तो सीपी हो गया। कोई भी वस्तु खरीदते हैं हमें तो मेरा क्या होता है सीपी होता है, किसी वस्तु में बेचते हैं मेरा क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। और मान लीजिए रवि जो है कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद के लिए आ रहा है, ठीक है, वो 10% छूट पर बेच रहा है यानी 10% हानि पर बेच रहा है। रवि जो है 10% हानि पर बेच रहा है, लिया है 100 रुपये में और 10 रुपये इसमें हम कमी कर दें, ये मेरा सीपी और मान 100 रुपये में रहा है तो 100 रुपये में वस्तु लिया है और 10 रुपये कम में बेच रहे हैं तो कितना 10 रुपये हानि यानी 10 रुपये कम बेच रहे हैं, ये मेरा क्या होगा एसपी होगा। अब डायरेक्ट इसके भी बराबर कर सकते हैं, 100 का मान 1600 है तो हमको चाहिए 90 का मान, जिसका मान दिया रहा है आप रेशियो भी निकाल सकते हैं 10:9, ये मेरा सीपी हो गया ये मेरा एसपी हो गया। तो 10:1 का मान दिया है कितना 1600 रुपये, हमको चाहिए क्या एसपी चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए, 9:1 का मान चाहिए, जिसका मान दिया रहता है वो बट्टा में आएगा 1600 बट्टा में 10, जिससे जिसका मान पूछे उससे गुना करेंगे तो पूछ किसका रहा है 9 का, 0 0 कैसे और 9 में 1600 गुना करेंगे कितना का 9 9 6 54 हासिल बचा 5, 9 5 14 1440 रुपये। ये रबी क्या है रबी का एसपी है विक्रय मूल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक ग्राफ दिया है जिसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ 7 को दिया है ग्राफ दिया है, ग्राफ में क्या दिया है 7 को छात्र है, जैसे विद्यार्थी जो भी छात्र परीक्षा दे रहा है उसे कितना अंक मिला है तो S1 और S6 दोनों मिला के कितना अंक मिला है और दोनों को जोड़ते हैं 96 + 59 कितना का 5 15 155 दोनों को हम नंबर जो है S1 को और S6 दोनों मिला कितना नंबर मिला है 155 नंबर। अब पूछ रहा का S4 का छात्र है उसे कितना परसेंट है, S4 का छात्र को कितना मिला 71 नंबर, इसका 71 नंबर मिला है। यही पूछता कितना अधिक है तो हम अंतर लेते हैं, यहाँ पूछ रहा है इससे कितना परसेंट है, कितना अधिक और कितना परसेंट अंतर है, ठीक है। यह अधिक पूछा तो इसका अंतर निकालते हैं, पूछ रहा कितना कितना परसेंट है तो 155 दोनों मिला कहाँ दोनों मिला 155 नंबर है और जो जिससे तुलना कर रहा है उसे वो बट्टा में आते हैं, तुलना किससे कर रहा है S4 के छात्र से तो S4 के छात्र को कितना नंबर मिला है 71 नंबर, परसेंट के चिन्ह 100 गुना करेगा
अब इसे भाग करते हैं तो 155 00 में 71 से भाग देते हैं, कितना का 2 से लगाते हैं, 2 7 14 3 1 0 7 7 1 71 9 12 7 5 12 59 आया, 59 फिर 1 0 उतरा, 8 से लगाते हैं, 8 8 7 56 कितना है 2 8 में से 6 गए 2 इसमें 5 में 5 कट गया, और फिर पॉइंट बैठाते हैं तो कितना गया 0 उतरेगा, 3 से लगाते हैं 3 3 7 21 आया कितना 7। अब देखिए 7 और 0 दशमलव के बाद अगर 0 बैठाते हैं तो लगभग इस पूछ रहे लगभग तो 0 बैठा 70 आएगा, दिया कितना 71 यानी लगभग 1 के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 218.31% परसेंट, ठीक है 218.31% इससे अधिक है, अधिक नहीं अधिक, दोनों मिलाकर 218.31% है, ठीक है ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।